मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए महापंचायत की। सीएम गहलोत ने 14 सरपंचों से चर्चा की, कहा कोरोना से प्रदेश में घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे लॉकडाउन अब खुल रहा है, कर्फ्यू वाले इलाके के अलावा बाकी क्षेत्र धीरे धीरे खुलेंगे। कोरोना, टिड्डी नियंत्रण, मनरेगा, जलापूर्ति को लेकर संवाद किया। अधिकारियों ने सीएम के समक्ष प्रेजेंटेशन रखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरपंचों से संवाद किया। सरपंच अपने क्षेत्र की समस्या, उपलब्धियां उन्होंने सीएम के सामने रखी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मनरेगा को लेकर जानकारी दी। मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री बीडी कल्ला ने भी जानकारी यहां पर दी। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सुभाष गर्ग, भजनलाल जाटव ने जानकारी दी। सभी मंत्रियों ने अपने विभागों द्वारा किए कार्यों की जानकारी दी। जितने भी कार्य मंत्रियों के विभागों द्वारा किए गए हैं उनकी जानकारी इस वीसी में दी गई। फिर चाहे वो कोरोना हो, टिड्डी हो, मनरेगा हो, जल हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर मौजूद हैं। पिंटू, देखिए हर विषय पर यहां पर चर्चा हुई, सभी का फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया, जितने भी मंत्री हैं, विभागों के जो एसीएस हैं उनसे जानकारी ली गई, क्या क्या चीजें जो मेजर हैं वो निकल कर सामने आई? देखिए मनीषा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील है। इस कोरोना काल के दौरान जो चार बड़ी चीजें थी, एक कोरोना, टिड्डी, मनरेगा और पेयजल आपूर्ति। एक तो कोरोना की जो बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते पूरे देश लॉकडाउन लागू हुआ है पूरे देश में, और लोग अपने घरों में बंद थे और लगातार संक्रमण का मामला बढ़ रहा था, पूरा जनजीवन अर्थव्यवस्था डाउन हुई, और इसी दौरान टिड्डी का हमला, एक टिड्डी दल का आना, किसानों की चिंता बढ़ना, और जब पूरी अधिकारी और पूरे मंत्री और जो तमाम जो लोग थे लॉकडाउन के चलते वो काम नहीं कर पाए जो अमूमन कर पाते हैं, गर्मी का दौर था, पेयजल आपूर्ति की एक बड़ी समस्या थी, साथ ही इन सब चीजों को लेकर जो प्रवासी बाहर के राज्यों से आ रहे थे उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी। तो ये जो चारों बड़े मुद्दे थे, कोरोना, टिड्डी, मनरेगा और पेयजल, इनको लेकर आज सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो आला अधिकारी है उससे लेकर जो ग्रामीण स्तर के, जो ब्लॉक स्तर के, जो ग्राम पंचायत के हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, सरपंच हैं, उन सब लोगों से संवाद किया, उनसे फीडबैक लिया, सुझाव लिए कि क्या किया जाना चाहिए। 12 बजे सीएमआर में वीसी शुरू हुई, इस दौरान तमाम जो एसी है इन चारों विभागों के, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन सीएम अशोक गहलोत के सामने रखा कि कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ किया गया है, किस प्रकार से इसको नियंत्रण किया गया है और क्या व्यवस्था की गई, साथ ही जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनको किस प्रकार से क्वारंटाइन किया जा रहा है और कितना कुछ कंट्रोल किया जा रहा है उसको लेकर प्रेजेंटेशन पेश हुआ। साथ ही जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत लोगों को कैसे रोजगार दिया जा रहा है, क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या ध्यान रखा जा रहा है, इसको लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि जो बाहर से प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको रोजगार मिले, साथ ही जो गर्मी का मौसम हो और यहाँ पर अपने राजस्थान में कहीं ना कहीं जो पानी की किल्लत रहती है उसको लेकर बीडी कल्ला ने भी जानकारी दी कि किस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था की जा रही। इन तमाम जो समस्याएं थी उनको लेकर अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन सीएम के सामने रखा और सीएम अशोक गहलोत ने पूरी बारीकी से चीजों को देखा। उसके बाद में जो सरपंच है ग्रामीण स्तर पर, उन सब से सीएम अशोक गहलोत ने संवाद किया और सरपंच काफी गदगद की प्रदेश का मुखिया उनसे बात कर रहा है, उनसे जान रहा है कि क्या हाल है, उनके क्या सुझाव हैं। जब सरपंचों ने सीएम अशोक गहलोत से बात की तो उन्होंने अपने अपने स्तर की जो समस्याएं थी वो भी रखी, साथ ही कोरोना काल में जो ग्रामीण स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, चाहे राशन वितरण की हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, उन सबको लेकर सामने रखा। और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने उन सब लोगों को बताया कि शहरों की तुलना में देखा तो गांवों ने अच्छा काम किया है, चाहे वो क्वारंटाइन व्यवस्था हो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सही व्यवस्था की गई, साथ ही पेयजल की व्यवस्था की गई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं जो 3 महीने हैं वो कोरोना एक चुनौती हो सकती है, हालांकि प्रदेश को की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से इतना कोई बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, साथ ही हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, इसीलिए लॉकडाउन को खोला जा रहा है और धीरे धीरे उद्योग और व्यापार शुरू हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा दिनों तक लोगों को बंद नहीं रख सकते, तो कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है, सावधानी हमको रखनी है और इस कोरोना की जंग को हम जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ी संवेदनशीलता सीएम अशोक गहलोत ने दिखाई कि जो नीचे के स्तर के जो लोग हैं, सरपंच है, जो छोटे अधिकारी हैं, उन सब लोगों से फीडबैक लेना और चार बड़ी
जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैं नरेगा, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है लोगों का रोजगार गया है, गांव में बड़ी तादाद में जो लोग बाहर रहते थे वो लौट कर अपने प्रदेश में आए, अब उनके सामने रोजगार की चिंता थी, तो उनको नए जॉब कार्ड बना के अपने गाँव में मनरेगा के रोजगार दिया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उन लोगों के जल्दी से जल्दी जॉब कार्ड बने ताकि उनको रोजगार मिले, गर्मी का मौसम है, पानी की कोई किल्लत नहीं हो, साथ ही जो टिड्डी का दल आ रहा है, क्योंकि अब खरीफ की बुआई अभी तो फिलहाल हुई नहीं है, लेकिन अभी जो दल है उससे तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब जब खरीफ की बुआई हो उससे पहले इस पर नियंत्रण हो, उसको लेकर जो तमाम विभाग की तैयारी थी उनको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आज फीडबैक लिया। जी मनीषा, बिल्कुल पिंटू, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए महापंचायत की यहाँ पर ग्रामीण जो गाँव के सरपंच है उनसे भी फीडबैक लिया। ये बहुत खास बात यहाँ पर रही, गाँव की तारीफ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की।